हेलो गाइस, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे एग्ज़ाम 7 जुलाई से स्टार्ट है और हमारी तैयारी जीरो हुई है, यानी हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, 6 जुलाई है और कल 7 जुलाई है, कल से आपके एग्ज़ाम से स्टार्ट है। बिल्कुल भी समय नहीं है, बस आप समय है तो रिवाइज़ करने का, उन चीज़ों को जो आपने पढ़ा है उनको आप रिवाइज़ कर सकें। लेकिन उन बच्चों के लिए क्या कहना जिन बच्चों ने कमेंट्स किया है कि सर हमारी शादी हो गई है और हम बिल्कुल पढ़ नहीं पाए, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बच पाता, हम कैसे पढ़ें। ऐसे बहुत सारे रीजन्स उनके पास हैं ना पढ़ने के। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ाई कर रखा है, उनके पास बहुत सारे रीज़न हैं ना पढ़ने के। कोई बात नहीं, आपके एग्ज़ाम्स कल से हैं और आपके पास अब टाइम भी नहीं है, तो हमें भी पॉजिटिव होना है और पॉजिटिव होके ही अपने एग्ज़ाम्स को देना है। बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपने नहीं पढ़ा है, आपने बहुत पढ़ा है और बहुत तैयारी कर रखी है और कल के एग्ज़ाम में बेहतर करके आना है। कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो को आप पूरा वॉच करिए, आप चीज़ों को सीख पाओगे कि अगर आपने नहीं पढ़ाई कर रखा है फिर भी अपने एग्ज़ाम में कैसे आप अच्छा कर पाओगे। सो इस पूरे वीडियो को वॉच करिएगा। तो बात कर लेते हैं अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। जैसे कल आप सभी का एग्ज़ाम है 7 जुलाई को, तो सबसे पहले अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लें कि आपको अपने एग्ज़ाम में क्या क्या लेके जाना है। पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या क्या लेके जाना है। लाइक दैट अपने एडमिट कार्ड्स हो गए, अपना पिन हो गया, पिन में एक ब्लू लेना है और एक ब्लैक लेना है। एक बच्चे का कमेंट आया था, निशा का कमेंट आया था कि सर क्या हम जो है कलरफुल पिन का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, आप जो है सिर्फ ब्लैक और ब्लू पिन का यूज़ करेंगे। ब्लैक का यूज़ करेंगे हेडिंग्स के लिए और ब्लू का यूज करेंगे लिखने के लिए। तो आप जो है कलरफुल पिन का यूज़ नहीं करेंगे, ओनली ब्लैक और ब्लू पिन का ही यूज़ करना है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि और आपको क्या लेके जाना है। अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ कोई एक आईडी ले लेना, आईडी भी लेके जाइएगा और अपना एडमिट कार्ड भी लेके जाइएगा। दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए सो दैट इन केस अगर आपसे मांगा जाता है तो आप दिखा पाएँ। एडमिट कार्ड ही सफिशिएंट होता है, लेकिन फिर भी आईडी अपने पास ज़रूर रखें। आईडी, ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन और अपना एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको अभी से कलेक्ट करके रख लेनी चाहिए। और अगर हो सके तो एक पेंसिल लेके जाइएगा, पेंसिल का भी जहाँ यूज करना चाहो आप कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को अपने पास ज़रूर रखिएगा। और एक स्केल जिसे हम पटरी कहते हैं, साइड में आपको लाइनिंग क्लिक करना रहता है, किसी दूसरे से ना मांगना पड़े इसलिए आप खुद से लेके जाएगा। ये सारी चीज़ें अभी से आप कलेक्ट कर लें, अगर आपके पास नहीं है तो आप परचेज करके इन चीज़ों को कलेक्ट करके अपने पास रख लें। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जिनके एग्जाम्स कल से हैं और तैयारी उनकी जीरो है, तो अपने एग्जाम्स को किस तरीके से अपीयर करोगे। जैसे कि कल आप सभी का एग्जाम है, आपके पास आज का समय है, आप अभी तक नहीं पढ़े हैं लेकिन आज तो पढ़ सकते हैं ना, आज तो आप पढ़ सकते हैं। एक बार जाइएगा, जितने भी प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोज़ अपलोड हैं समकालीन भारत और शिक्षा के, उन सारे वीडियोज़ को एक बार वॉच करिएगा और समझिएगा, लगभग चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और ये डन है कि वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में फंसेंगे। दूसरी बात, आपके पास बुक तो होगा ही, अगर नहीं होगा तो जिस सेंटर पे आप रुके होंगे बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे साथी संगाती होंगे जिनके पास बुक्स होंगी, उनकी बुक्स आप ले लीजिएगा। एक बार ध्यान से बुक को समराइज़ करिएगा कि चीज़ों उस बुक में, समकालीन भारत और शिक्षा में, पूरी बुक में किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोर्स किया गया है, किस चीज़ के बारे में ही लिखा गया है। बार बार कहीं ना कहीं अगर कोई बुक होती है तो उस बुक में उसी पर्टिकुलर, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ होती है जिसको लेके ही बार बार चीज़ों को लिखा जाता है। आपके 6 यूनिट हैं, हर यूनिट को आपको विजिट नहीं करना है। पहले यूनिट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, फर्स्ट यूनिट को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, सेकेंड यूनिट को भी तैयार कर लीजिएगा। कम से कम 2 से 3 यूनिट जितना आप पढ़ सको, ज़्यादा यूनिट पढ़ नहीं पाओगे बिकॉज समय है नहीं, तो आपसे 2 से 3 यूनिट अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं अथवा अथवा करके आते हैं तो उनमें से आपके लगभग क्वेश्चंस फंस जाएंगे, उनमें से आपके लगभग क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो अभी क्या करना है, हमने आपको क्या कहा कि सबसे पहले पूरी बुक को समराइज करना है, देखना है उस बुक में जो मैटर दिया गया है किस टॉपिक पे, किस चीज़ पे ज़्यादा फोर्स किया गया, किस चीज़ को बार बार लिखा जा रहा है, किस चीज़ के ऊपर बातें की जा रही हैं उस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट के थीम को समझने की कोशिश करिएगा, पूरे थीम को समझने की कोशिश करिएगा। सिर्फ समझना है, याद नहीं कर सकते हो, याद करोगे 101% कल भूल जाओगे क्योंकि अब आपके पास याद करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ समझना है, अपनी इसी समझ को विकसित करो कि हमें समझ के ही लिखना है। तो पहले यूनिट को आप अच्छे से पढ़ो, डिफाइन करो कि वहाँ किन के बारे में लिखा गया है। आज के इस समय का गुड यूज करो। देखो, आज का अगर इस समय को आपने यूज नहीं किया और आपने ये सोचने में गवा दिया कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, अभी तक नहीं पढ़ा, तो अब क्या होगा, तो अब भी नहीं होगा फिर। अच्छा, जो हमारे पास है हमें फोकस सिर्फ उस पर करना चाहिए, हमारे पास जो नहीं है हमें उस पर फोकस करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास नहीं है, जो हमारे हाथों से निकल गया, उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होना है। जो हमारे हाथों में अभी है, जो हम कर सकते हैं, अभी अंतिम रेस बाकी है, आप उस रेस को दौड़ के जीत सकते हैं, अभी आपके पास चांस बचा है।
हम रोते तब हैं जब हमारे पास चांस नहीं बचता है, जब हमारे सारे चांस ही खत्म हो जाते हैं तब हम अफसोस कर सकते हैं। अभी तो अफसोस करने की बात ही नहीं है। अगर आप अब भी अफसोस कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अभी आपके पास समय है, वो अंतिम क्षण का मौका है, उस अंतिम क्षण में आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। बस पूरे बुक के थीम को समझने की कोशिश करिएगा, मैं 101% की गारंटी देता हूँ आप अच्छा करके आओगे। कोई दो राय नहीं है, बस बी पॉजिटिव, ओनली बी पॉजिटिव। आपको नेगेटिव होना नहीं है, आपको बस ये सोचना है कि हमने बहुत पढ़ाई कर रखा है और हम अपने एग्जाम में कल बहुत बेहतर करने वाले हैं, और आई होप कि आप बहुत अच्छा कर पाओगे, क्योंकि आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। जब आप पॉजिटिव नजरिए से देखोगे चीज़ों को तो आपके दिमाग में जब आप क्वेश्चंस को लिखोगे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे उन चीज़ों को लेके, बिकॉज आपने उस पर पॉजिटिव विचार रखा है। और अगर आप निगेटिव विचार में जी रहे हैं कि अरे मैंने तो पढ़ाई नहीं कर रखा है, कैसे हम कर पाएंगे, हमारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, तो मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चंस आपको आ भी रहा होगा ना, वो भी क्वेश्चंस आपका नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपने उसको निगेटिव वे में लिया है, पॉजिटिव वे में लिया ही नहीं। तो आपको चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेना है और 101% डन है, अपने एग्जाम में बेहतर करके आओगे और करके आना ही है। तो हमारे पास जो समय बचे हैं इस समय को पूरा यूज कर लेना है अपनी पढ़ाई में। किसी यार दोस्तों के साथ बात करने के बजाय आपसे पढ़ाई करिएगा, किसी से बात मत करिएगा, सिर्फ आप पढ़ाई करिएगा। जब आप पढ़ाई करोगे तो 101% डन है, आप अपने एग्जाम में कल बेहतर करके आओगे। आपके पास समय बिल्कुल कम है, बहुत कम समय बचा है, बस मुश्किल से 15 से 16 घंटे, बस मैक्सिमम यही इतने, क्योंकि बहुत कुछ आपको सोना भी है, उसी में सारी चीज़ें करनी है। तो हम 24 घंटे 25 घंटे 26 घंटे तो ले नहीं सकते हैं भाई, सोना भी तो है ना। तो सोने के बाद जो हमारे पास पढ़ने के लिए समय बचते हैं उसमें अगर आप 10 घंटे भी पढ़ लोगे किसी एक सब्जेक्ट को, फिर अगले पेपर के लिए आपके पास समय बचेगा। एक दिन की गैपिंग है उसमें भी पढ़ना है, हम आपको डेली मोटिवेट करने आएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइए, इनकी रीच बढ़ाइए, सो दैट हम आपके लिए पर डे आ सकें और हम आपको बता सकें, मोटिवेट कर सकें कि आपको अपने एग्ज़ाम में कैसे करना है, और आप करके आएंगे, डन है। तो हमने कहा कि चीज़ों को समझना है, पूरे बुक के थीम को समझना है। वीडियोज़ हमारे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ पढ़े हैं, उन वीडियोज़ को जाके वॉच करिए, उनके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ बनती है। मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सेलेक्ट करके रखे हैं, तो जाके वो सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए आज, और साथ ही साथ अपने बुक के पूरे थीम को समझने की कोशिश करिए। शुरू के 2 से 3 मिनट को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, पहला मिनट खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए, पहला और दूसरा मिनट, क्योंकि उन दोनों में से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आपके लगभग 2 से 3 आ ही जाएंगे अथवा अथवा करके। तो आप 2 से 3 मिनट अच्छे से पढ़ डालिए शुरुआत के, आपका 101% एग्ज़ाम बेहतर होगा। और हमने कहा बी पॉजिटिव, इसको आप नेगेटिव में मत लेना, बस आप इतना सोचो कि हमने बहुत पढ़ रखा है, हमारी मेहनत जो है कल रंग लाएगी और हम अच्छा करके लाएंगे, ये डन है, आप बेहतर करके आओगे। सो थैंक यू गाइज, आई होप कि आप सभी को हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं। अगर हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप हमारे लिए भी थोड़ा सा टास्क करें, इसे व्हाट्सएप पर आप स्टेटस लगा सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों तक रीच बढ़ा सकते हैं, सो दैट हम आपके लिए आगे की बेहतर प्लानिंग कर पाए और हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाएँ। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपके लिए बेहतर वर्क करें, सो दैट आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी अपने एग्ज़ाम में बेहतर करके आएँ, आप सभी को आपके एग्ज़ाम की बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएँ इन एडवांस में। सो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।